नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों, हमने निफ्टी में बहुत बड़ा रैली देखा है अभी तक। ओके, 22,000 तक निफ्टी आ चुका है, 21,800 था। लेकिन हमने एक स्टॉक को ऑब्जर्व किया, आपने एक स्टॉक को ऑब्जर्व किया रहेगा, रिलायंस एनर्जी। रिलायंस में अभी तक यहाँ पे हमें जो मोमेंटम चाहिए था दोस्तों, अभी तक जितना चाहिए था उतना मिला नहीं है। लेकिन हमें अभी रिलायंस में कुछ तो दिख रहा है कि रिलायंस में कुछ तो पक रहा है कि रिलायंस आगे जाके बढ़ने वाला है, और क्यों बढ़ने वाला है उसका डिटेल एनालिसिस हम करेंगे। दोस्तों, फंडामेंटली तो स्टॉक अच्छा ही है, इसको फंडामेंटली हम देखेंगे नहीं, सिर्फ लाइव टेक्निकल सॉरी सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे जो भी कुछ व्यू बन के आ रहा है, किस लेवल पे बाय करना है, किस लेवल पे एंट्री लेनी है, किस लेवल पे आपको एसएल रखना है, टारगेट रखना है, हर एक चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिलायंस ऑल टाइम हाई पे आया है। ये वीकली चार्ट है दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखिए, एक बार यहाँ पे आया, दो बार, तीन बार, चार बार वापस ये लेवल पे आया। और यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, वापस सपोर्ट लिया। और यहाँ पे अगर इसको नीचे आना रहता तो दोस्तों ये लेवल तक तो आना चाहिए था। इसने यही से रिटर्न मारा और ये भी ये हाई रेजिस्टेंस लेवल के पास आ चुका है। जो हमारा फेवरेट स्ट्रैटर्जी है दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ वो स्ट्रैटर्जी बहुत अच्छा काम करता है, बॉक्स स्ट्रैटर्जी। रिलायंस उस बॉक्स स्ट्रैटर्जी के अंदर हमें दिख रहा है और उसका टारगेट भी अच्छा दिख रहा है। तो बॉक्स स्ट्रैटर्जी देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑलरेडी बॉक्स ड्रॉ करके रखा हो, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो वन टाइम, टू टाइम, ऑलमोस्ट थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम यहाँ पे होल्ड किया, ट्राई किया। यहाँ पे लगभग 4 to 5 वीक्स रिलायंस ने होल्ड किया, लेकिन फाइनली ब्रेकडाउन दे दिया, वापस नीचे आया। अगर इसको नीचे जाना रहता दोस्तों, ये रेजिस्टेंस लेवल था, सॉरी हाँ, ये पहले सपोर्ट था, बाद में रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए था। लेवल है दोस्तों 24, लगभग 2500, 2500 का रेजिस्टेंस था। अच्छा, यही से रिलायंस को नीचे जाना चाहिए था, लेकिन रिलायंस ने यहाँ पे इंडिकेशन दे दिया ऑलमोस्ट कि मैं नीचे जाने के मूड में नहीं हूँ, मेरा नेक्स्ट टारगेट है दोस्तों 3000, 3200 और 3400। ये मेरे तीन टारगेट्स है। ये अभी रिलायंस ऑलमोस्ट कन्फर्मेशन के रडार पे हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे कैसे काम करना है वो देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे दोस्तों पहली बात तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि डेली टाइम फ्रेम पे। ओके, डेली टाइम फ्रेम पे हम जाते हैं तो आपको दिखेगा रिलायंस 2000 दिसंबर 2021 से लेके 2023 तक एक ही बॉक्स में काम कर रहा है। और यहाँ पे पिछले 7-8 दिन से रिलायंस होल्ड कर रहा है। यहाँ पे देखें, 7-8 दिन से मतलब 4-5 हफ्ता हो गए यही पे होल्ड कर रहा है। तो हमें कैसा यहाँ पे ट्रेड बनाना चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सबके लिए बोल रहा हूँ मैं। हमारा जो लेवल है दोस्तों 2634 के ऊपर हमें जैसी एक डेली क्लोजिंग मिल जाता है दोस्तों, विथ वॉल्यूम्स, अच्छे वॉल्यूम के साथ, हेल्दी कैंडल के साथ, अगर वॉल्यूम्स के साथ और कैंडल के साथ, अच्छे कैंडल के साथ यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाता है 26,334 के ऊपर, हम रिलायंस में बैठ जाएंगे दोस्तों। और वहाँ से हमारा 100 पॉइंट का एसएल रहेगा। टारगेट 3000, 3200, 3400 ही हमारे तीन टारगेट्स रहेंगे रिलायंस में। तो यहाँ पे वीकली चार्ट पे जाता हूँ वापिस, क्योंकि वहाँ पे समझने के लिए इजी जा रहा है। तो यहाँ पे लेवल बताना चाहूँगा दोस्तों, लेवल है 26,034 के ऊपर, ये हमारा एंट्री लेवल रहेगा। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, अपना कलर है दोस्तों ब्लू। ओके, ये हमारा एंट्री लेवल रहेगा। यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन आपको बनानी है, यहाँ पे 26, तो क्लोजिंग लगभग 2700 के आसपास हो गया, समझ लीजिए 2700 के पास आपको एंट्री लेना है। एसएल रहेगा आपका यहाँ से लगभग 7% ज़्यादा हो जाएगा, तो 5% हमारा एसएल रहेगा लॉजिक के हिसाब से, 500 5% सिर्फ 5% यहाँ पे आता है हमारा। ओके, 136 मतलब एसएल में यहाँ पे आपको ड्रॉ करके देता हूँ, एसएल रहेगा हमारा इस पॉइंट पे, लेवल है 2550 के आसपास। ओके, टारगेट यहाँ से ओपन है दोस्तों, लेकिन इनिशियल टारगेट हमारा रहेगा, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, इनिशियल टारगेट जो बॉक्स है हमारा, बॉक्स का जो टारगेट बन के आ रहा है, यहाँ से हम उठाएंगे इसको यहाँ तक, इसको थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं। ओके,
यहाँ तक हमारा टारगेट बन के आ रहा है 3,334। तो यहाँ पे 22% प्रॉफिट हमें रिलायंस में मिल सकता है अगेन द रिस्क ऑफ 5%। तो 1:4 बैठ रहा है, डेफिनेटली अच्छा ट्रेड बैठ रहा है। फिर यहाँ पे 1:4 मिल रहा है, तो रिलायंस में यहाँ पे हमारी एंट्री एसएल और टारगेट मैंने तीनों ही दे दिया है। आपका एंट्री रहेगा 2700 के आसपास, कैंडल क्लोजिंग होती है उसके ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर आपको बाय करना है। सेकेंड टारगेट रहेगा 3300 फर्स्ट टारगेट, और बाद में आप ट्रेल कर सकते हो। और एसएल रहेगा यहाँ से 2500 550, मतलब 150 पॉइंट का आपका एसएल रहेगा। तो 1:4 यहाँ पे रिस्क रिवार्ड बैठ रहा है दोस्तों। स्टॉक अच्छा है, 2 साल से कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर ऐसा स्टॉक 2 साल के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दे रहा है तो डेफिनेटली 20-25% आपको देख ही जाएगा विद इन अ फ्यू मंथ्स। तो ये स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए। रिलायंस जैसे ही ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर हमें आप बाय करना है, और टारगेट मैंने बता दिया है विद एसएल और एंट्री लेवल के साथ। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि उन्हें भी रिलायंस में एंट्री करने के लिए चांस मिलेगा। स्टॉक अच्छा है, अच्छा पैसा कमाएंगे सब, तो अच्छा ही लगेगा। तो डेफिनेटली शेयर कीजिए आपके दोस्तों रिलेटिव्स के साथ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा रहा है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।